हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के दो काफ़ी फेमस व्लॉगर्स के बारे में, जिसमें हम आपको बता रहे हैं सौरभ जोशी के बारे में और पारस ठकराल के बारे में। दोनों ही काफ़ी अच्छे व्लॉगर हैं इंडिया के। सबसे पहले बात करेंगे इनके रियल नेम के बारे में, फिर निक नेम, फिर एज और फिर हाउस के बारे में। पहले बात करें रियल नेम के बारे में। सौरभ जोशी का रियल नेम सौरभ जोशी ही है। बात करेंगे पारस ठकराल के बारे में, क्या यही इनका रियल नेम है, तो मैं आप सभी को बता दूं, जी हाँ दोस्तों, पारस ठकराल ही इनका रियल नेम है। बात करेंगे अब इनके निकनेम के बारे में। पहले बात करेंगे सौरभ जोशी के बारे में, तो मैं आप सभी को बता दूं, यदि आपको नहीं पता तो सौरभ दा, काफ़ी लोग इनको प्यार से बुलाते हैं, इनके फैमिली मेम्बर्स भी इनको प्यार से सौरभ दा के नाम से जानते हैं। बात करेंगे पारस ठकराल के बारे में, तो मैं आप सभी को बता दूं, काफ़ी लोग इनको प्यार से पारस के नाम से ही जानते हैं, यही इनका निकनेम है। बात करेंगे अब इनके एज के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे सौरभ जोशी के बारे में, तो आप सभी को बता दूं, सौरभ जोशी की एज है अभी 21 साल। अब हम बात करेंगे पारस ठकराल के बारे में, आप सभी को बताऊंगा इनकी एज, तो यदि आपको नहीं पता तो मैं आप सभी को बता दूं, इनकी एज है अभी 26 साल। अब हम बात करेंगे इनके घर के बारे में, आखिर सौरभ जोशी का और पारस ठकराल का घर कहाँ पर है। पहले बात करेंगे सौरभ जोशी के बारे में, तो मैं आप सभी को बता दूँ, सौरभ जोशी रहते हैं हरियाणा में, लेकिन एक बात मैं आप सभी को और बता दूँ, इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था। अब हम बात करेंगे पारस ठकराल के बारे में, ये कहाँ पर रहते हैं, तो यदि आप सभी को अब तक नहीं पता कि इनका घर कहाँ पर है, तो मैं आप सभी को बता दूँ, पारस ठकराल भी रहते हैं हरियाणा में। अब तक का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आगे का वीडियो और भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। अब हम बात करेंगे क्या इनकी शादी हो चुकी है या नहीं हुई है। सबसे पहले बात करेंगे सौरभ जोशी के बारे में, तो मैं आप सभी को बता दूं, सौरभ जोशी की शादी अभी तक नहीं हुई है और ये अनमैरिड है। बात करेंगे अब पारस ठकराल के बारे में, क्या इनकी शादी हो चुकी है या नहीं हुई है, तो मैं आप सभी को बता दूँ, पारस ठकराल की शादी हो चुकी है, ये मैरिड है। अब वीडियो आगे और भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। तो गाइस, अब हम बात करेंगे इनके YouTube चैनल के बारे में, आखिर कौन से वीडियोस के लिए फेमस है उसके बारे में, टोटल YouTube ब्लॉग्स के बारे में और सेकंड YouTube चैनल के बारे में भी। पहले बात करें इनके YouTube चैनल के बारे में, तो सौरभ जोशी के YouTube चैनल का नाम है सौरभ जोशी ब्लॉग्स, जो आज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर YouTube चैनल बन चुका है। अब हम बात करेंगे पारस ठकराल के बारे में, तो मैं आप सभी को बता दूँ, इनके YouTube चैनल का नाम है पारस ठकराल ब्लॉग्स, जो आज काफ़ी अच्छा यूट्यूब चैनल है। दोनों ही यूट्यूब चैनल्स को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। अब बात करेंगे कौन से वीडियोस के लिए लोग इनको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, किस वीडियोस की वजह से इतने ज़्यादा फेमस है। बात करें सौरभ जोशी के बारे में, तो मैं आप सभी को बता दूँ, सौरभ जोशी अपने फैमिली ब्लॉग्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बात करेंगे पारस ठकराल के बारे में, और मैं आप सभी को बताऊँगा कि ये किस चीज़ के लिए फेमस है, तो आपको नहीं पता यदि, तो मैं आप सभी को बता दूँ, पारस ठकराल भी अपने फैमिली ब्लॉग्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आज काफ़ी पसंद करते हैं लोग इनके व्लॉग्स देखना। अब मैं आपको बताऊंगा टोटल YouTube व्लॉग्स के बारे में, आखिर YouTube पर इन्होंने कितने व्लॉग्स अपलोड किए हैं अपने पूरे करियर में। पहले बात करेंगे सौरभ जोशी के बारे में, तो आपको नहीं पता यदि, तो मैं आप सभी को बता दूं, सौरभ जोशी ने अपने करियर में 600 से भी अधिक व्लॉग्स अपलोड कर दिए हैं अपने YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे पारस ठकराल के बारे में, तो यदि आप सभी को नहीं पता, इन्होंने अपने पूरे करियर में 250 से भी अधिक व्लॉग्स अपलोड कर दिए हैं अपने YouTube चैनल के बारे में। अब मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि इनका सेकंड YouTube चैनल भी है, सौरभ जोशी का सेकंड YouTube चैनल का नाम है सौरभ जोशी, जी हां दोस्तों, इस नाम से ही इनका सेकंड YouTube चैनल है। बात करेंगे पारस ठकराल के बारे में, क्या इनका भी सेकंड YouTube चैनल है, तो मैं आप सभी को बता दूँ, जी हां दोस्तों, इनके सेकंड YouTube चैनल का नाम है पारस ठकराल। तो मैंने आप सभी को इनके सेकंड YouTube चैनल के बारे में भी बता दिया है, आपको अब तक नहीं पता था तो आप ज़रूर जाके देखना इन YouTube चैनल्स पर भी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।